गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.2। तो पहले मैं इस एक्सरसाइज का आपको बेस समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। कर्व्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? हम अपने पेन से कोई भी शेप बना दें, किसी भी तरह की कोई भी जो शेप बन जाए, इट्स अ कर्व। यस स्टूडेंट, पेन उठाकर हमने कुछ भी जो शेप बनाई और जहाँ तक बनती चली गई, लास्ट में जहाँ छोड़ दिया, वो क्या बन जाता है? कर्व बन जाता है। The pictures that are result of your doodling are called a curve. Clear student? ये सभी curve की shape हैं, ये सभी curve हैं। A curve does not cross itself. जैसे कि ये curve है जो कि अपने आप को cross नहीं कर रहा है, then it is known as a simple curve. हम इसको क्या बोलेंगे? Simple curve। ये भी एक curve है, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको? Simple curve. Okay? Next है, जो हमारे कर्व्स होते हैं, हम ये देखेंगे इसमें दो तरह के दे रखे हैं। ये शेप है टोटली बंद है, ये भी टोटली बंद है, ये ओपन है, और ये भी इस तरह से इसको हाफ छोड़ दिया गया है। इट मींस कर्व होते हैं दो टाइप के, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व उसे कहते हैं जिसमें हमारी जो फिगर है वो खुली हुई हो, जस्ट लाइक एज अ दिस। ये खुली हुई कर्व है, ये खुली हुई कर्व है। क्लोज्ड कर्व जो फिगर कम्प्लीटली क्लोज्ड होती है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ये ओपन कर्व। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया? इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन इन अ फिगर। ये हमें एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में हमें इन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है। तो हम देखेंगे किस क्लोज्ड जो इस तरह से रीजन बना हुआ है, इसके अंदर है पॉइंट ए, तो हम इसको बोलेंगे इंटीरियर। क्या बोलेंगे? इंटीरियर। जो अंदर होता है, इनसाइड होता है, उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व पॉइंट ए। जो बाउंड्री पर है, ऑन द, क्या बोलेंगे? ऑन द बाउंड्री, ऑन ऑफ द कर्व पॉइंट बी। जो बाहर है, आउटसाइड सी। आउटसाइड सी इट मींस एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट? जो अंदर है, इनसाइड है, वो इंटीरियर। जो बाहर है, आउटसाइड है, वो एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, समझ आ गए? इसके बाद नेक्स्ट है द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री। जो इंटीरियर पॉइंट्स है उसको अंदर लेकर जिसने बाउंड्री से पूरा क्लोज्ड कर रखा है, देन इट इज़ नोन एज इट्स रीजन। क्लियर स्टूडेंट? आज के लिए इतना ही। आप यहाँ तक कवर कंप्लीट करेंगे और कॉपी में नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।